जय श्री राधे। अद्य अहम सर्वान् नमस्करोमि, भवतां स्वागतम् अत्र सर्वेषां। अहमस्मि आचार्य कीर्तिवल्लभ मेंदोलिया, आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ वेदांग भक्ति रसायनम के इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हम आपके सामने कुछ न कुछ नया लेकर के उपस्थित होते हैं। आज भगवती त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी महालक्ष्मी का जो श्री चक्र है, श्री यंत्र है, उसकी चर्चा करते हैं। ऋग्वेद में श्री सूक्त वर्णित है और वैदुष्य संपन्न जो भारतवासी हैं, अपितु तो विदेशों में भी बहुत से लोग, आज तो संपूर्ण विश्व, जर्मनी की बात करें, अमेरिका की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, कई स्थानों पर भगवती के विग्रह की, श्री चक्र की पूजा अर्चना होती है। तो श्री चक्र श्री विद्या के नाम से विख्यात है। दाक्षिणात्य परंपरा में भगवान आदिगुरु शंकराचार्य ने, परशुराम जी ने, भगवान दत्तात्रेय ने इस विद्या को प्रकट किया। इसको श्री विद्या कहते हैं और श्री विद्या के रूप में श्री चक्र ही माँ लक्ष्मी का, भगवती का स्वरूप है। इसको यंत्र राज भी कहते हैं। प्रायः बाजारों में मित्रों आपको श्री यंत्र मिल जाएगा। श्री यंत्र चांदी का बना हो, अष्ट धातु का बना हो, पंच धातु का बना हो, सर्वोत्तम श्री यंत्र स्फटिक का आपको कांच के समान दिखाई देगा, थोड़ा कॉस्टली आपको मिलेगा, लेकिन ये आप किसी उत्तम मुहूर्त में, नवरात्र का पर्व बड़ा उत्तम होता है, दो नवरात्रियाँ वर्ष में आती हैं, दो गुप्त नवरात्रियाँ आती हैं, उसके अलावा भी गुरुपुख्य योग है, शुक्रवार का दिन शुक्ल पक्ष का दिन हो, क्योंकि देवी लक्ष्मी का जो दिन है, दिवस है, वो शुक्रवार है। तो हम श्री चक्र की जो महिमा है इसको श्रवण कर रहे हैं। इसमें मध्य में एक बिंदु होता है और इस बिंदु के नीचे डायग्राम बने होते हैं त्रिकोण के रूप में, पांच त्रिकोण बाहर की ओर मुख किए हुए होते हैं। यह शक्ति के स्वरूप हैं। शिव पार्वती की हम उपासना करते हैं, लक्ष्मी नारायण की उपासना करते हैं, जिस आराध्य की उपासना करते हैं उस आराध्य का स्तवन करते हुए भगवती महालक्ष्मी का, के नामों के साथ और विविध जो उसके उपचार की जो पद्धति है, गंधोदक है, भगवती को क्या प्रिय है, इक्षुरस गन्ने के रस से अभिषेक होता है, दधि से, दुग्ध से, शहद से, शर्करा से, पंचामृत से अभिषेक हम करते हैं। विधिपूर्वक एक आसन बिछा लें, पूर्व की तरफ मुख कर लें, उत्तर की तरफ मुख कर लें, घृत का दीपक जला लें। घृत का दीपक जो है वो दक्षिण भाग में रखना चाहिए, दीपक कभी खाली नहीं रखना चाहिए। दीपक के नीचे तांबे की प्लेट रख लीजिए, साधारण प्लेट रख लीजिए, अक्षत पुष्प के सहित दीपक को स्थापित करें, धूप पात्र रखें, घंटा शंख जो स्थापित करें और माँ भगवती का एक सिंहासन पीठ बना करके चौकी के ऊपर एक लाल वस्त्र बिछा दीजिए और श्री यंत्र को विराजित कर दीजिए किसी पात्र में। परात यदि आपके पास हो, स्टील की थाली हो, कांस्य पात्र हो, श्री यंत्र रखिए और श्री यंत्र की पूजा के लिए संकल्प का विधान है, पवित्रीकरण है, आचमन है, शिखावंदन है, पृथ्वी का पूजन है, दिग्रक्षण है, संघ घंटादि पूजन है और दीप संस्थापन करने के बाद हम वैदिक मंगलाचरण भी करते हैं। पूजन का विस्तार यहाँ प्रस्तुत करना बड़ा कठिन है, समय हमारे पास बहुत कम है। मित्रों, भगवती महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती, दुर्गा सप्तशती के रूप में 700 मंत्र हैं। हम नवदुर्गाओं की पूजा करते हैं, कन्याओं का पूजन करते हैं, संपूर्ण भारतवर्ष दुर्गा की शक्ति की उपासना करता है। ऐसा क्या करें, क्योंकि आज के युग में संपूर्ण विश्व धन के पीछे दौड़ रहा है, लक्ष्मी के पीछे दौड़ रहा है। लक्ष्मी किसके पीछे दौड़ रही है? नारायण की। हम चाहते हैं सुख शांति, पदार्थ भोग उपभोग उद्भावक जितनी भी कामनाएं हैं उन कामनाओं की पूर्ति श्री यंत्र से, श्री चक्र से, श्री विद्या से प्राप्त होती है। कुछ मत करिए, सनातन धर्मी हो, भगवान में विश्वास रखते हो, श्री सूक्त का नित्य पाठ करिए, आपके यहाँ भाग्य लक्ष्मी राजलक्ष्मी अवश्य जो है प्राप्त होती है। बड़ी सुंदर स्तुति की गई है श्रीमद देवी भागवत में, सृष्टो या सर्ग रूपा जगदमन विधो पालनीयाचरोद्री
संघारे चापि यस्य जगदिदमखिलं क्रीडनं व्यापराख्य पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरीवर्णरूपा सास्नाद्वाचं प्रसन्ना विधि हरिगिरीशाराधितालंकरोतु। अर्थात जगत की सृष्टि कार्य के लिए, इस विश्व के लिए जो उत्पत्ति रूपा है, वह रक्षा कार्य में पालन शक्ति के रूप में, संघार के रूप में, रौद्र रूप में कौन कौन है? जो परा है, पश्यंती है और मध्यमा है, वैखरी वाणी के रूप में व्यक्त होती है मित्रों, वह निरंतर आराधित हैं, सेवित हैं देवताओं के द्वारा। वो प्रसन्न चित्त वाली भगवती महालक्ष्मी मेरी वाणी को अलंकृत करें। मित्रों मुख से निकल रही है वैखरी वाणी, वैखरी वाणी मुख से निकलती है, शास्त्र में बताया गया है। और मध्यमा वाणी विशुद्धि चक्र गले से निकलती है, पश्यंती वाणी वाक वाणी मणिपुर चक्र से, और परावाणी जो है वो मूलाधार चक्र से निकलती है। तो श्री चक्र में महालक्ष्मी की प्रतिष्ठा हम करते हैं, भगवती के स्वरूप का स्तवन करते हैं। महा देव्ये च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहे तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। मूल मंत्र भी है, इससे पूर्व भगवती का अनेक स्थानों पर अनेक अनेक प्रकार से ध्यान दिया गया है। मूलतः भगवती की स्तुति हम करें। यासा पद्मासनस्था विपुलकटतटी पद्मपत्रायताक्षी गंभीरावर्तनाभि स्तनभरनमिता सुब्रवस्त्रोत्तरीया या लक्ष्मीरदिव्यरूपे मणिगणिखचतहे स्नापिरेहे मुकुम्भे सानित्यं पद्महस्ता मोस्पग्रहे सर्वमांगल्ययुक्ता। इस प्रकार से मंत्र के साथ हम भगवती का आवाहन करते हैं, स्तुति पाठ करते हैं। कमल का पुष्प हो तो निवेदित करिए, गुलाब का पुष्प हो तो निवेदित करिए, श्री चक्र के सम्मुख भगवती की बैठी हुई मुद्रा हो, महाविष्णु साथ में हो, क्योंकि लक्ष्मी गरुड़ वाहनी है, नारायण की प्रिया है। गणेश जी के साथ भी लक्ष्मी की पूजा होती है, तो आप महालक्ष्मी का ध्यान करें। और मूल मंत्र भी है इसका, बीज मंत्र अष्टोत्तर शत कमल गट्टे की माला से जल का प्रोक्षण कर लीजिए। माला का नियम है, माला का संस्कार पूजन करने के बाद और माला को गोमुखी में रखते हुए कमल गट्टे का जो सुमेरु है, जिसको हम मेरुदंड भी कहते हैं, 108 क्रम से इस मंत्र का आप पूर्व में संपुट लगा सकते हैं, अथवा इस मंत्र की कुछ मालाएं आप कर सकते हैं। 11 माला का क्रम रखिए, 21 माला का क्रम रखिए, शुक्रवार से आरंभ करिए। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ये मूल मंत्र है, इस मंत्र का पहले आरंभ करें। मैंने आपको बताया पूजा का विस्तार करना यहाँ कठिन है, फिर भी हम श्री सूक्त प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे बाम भाग में पंडित सतीश बलूदी शास्त्री हैं, मानस कृष्ण यहाँ बैठे हैं, और पवित्र श्री सूक्त का जो श्रवण करता है शुचिपूर्वक पवित्रता पूर्वक, उसके जीवन में धन की कमी नहीं होती है, भाग्य में उन्नति होती है। भाग्योन्नति के लिए, राजलक्ष्मी के लिए, धन और धान्य के लिए दशविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, अलक्ष्मी विनाश पूर्वकम दशविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, नवग्रह शांत्यर्थम, अस्माकं सर्वेषां कुटुंबजनानां क्षेमस्त आयुः धन धान्य ऐश्वर्यादि विवृद्ध्यर्थम, मंगलवाप्त्यर्थम, अमुक गोत्रस्य अमुक नामनो अहम सपरिवारस्य श्री जगदम्बा प्रीतये प्रसादेन सर्वाभीष्ट कामनाया श्री सूक्तम पाठम अहम करिष्ये आवाम करिष्ये वयम करिष्यामहे। इस प्रकार से हम पाठ करें, पाठ को आरंभ करते हैं अधिक समय न लेकर के। ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्णरतस्त्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो महावः ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामनीम यस्याम हिरण्यं विन्देयं कामश्वं पुरुषाणाम अस्य पूर्वाम रथमध्यामस्ति नारदप्रबोधिनीं श्रियं देवीं उपहवै श्रीमामदेवीसुतां कांश्चोष्मितां हिरण्याकारां मारुद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पदमेस्तां पद्मवर्णां तां व्योपहवै श्रियं महाचन्द्रां प्रभासां शिशा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवसुतां धारां तां पद्मनीं शरणपद्ये लक्ष्मीर्वै नश्यतां तां वृणे आदित्यवर्णे तपोजा वनस्पति उप
स्वेतवाम देव सकाश कृतिश्चावणा सा प्रादुर्भूतो स्वाश्रेष्मिन् कीर्तिमिदं ददातुमे चित्तिभाषां लां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशयाम्यहं भूतिं सत्प्रदेवं च सर्वां निर्गुणमेकां गन्धद्वारां द्राजां नित्यपुटां करिष्यामि ईश्वरीं सर्वभूतानां नाम्योपवेश्यं मनसा कामां भूतिं वाचा सत्यमसीमहि पशूनां रूपमनिश्चामहि श्रीशिखतां निशा कर्दमेना प्रजाभूतामहि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्मारणिम् आपाचरन्तु स्निग्धानि शिखले देव श्वे गृहे च देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आद्राम्यः हमारी देव सत्ता हमारी श्रद्धा भगवान में है भगवती में है एकीभूत होकर के ये श्री सूक्त हमने प्रस्तुत किया और शंकराचार्य जी के द्वारा ये प्रदत्त श्री सूक्त है। जोड़ तोड़ के प्रबंधन में हम लगे हैं परिवार के लिए अपने लिए संतान के लिए विस्तार के लिए। ये विस्तार ही तो संसार है मित्रों। इसलिए श्री सूक्त हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं। सक्सेसफुल लाइफ कौन नहीं चाहता। इसलिए श्री सूक्त का पाठ यह सूची प्रियतो भूत्वा स्नान आदि कर्म से निवृत्त होने के बाद इत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। भगवती को इत्र चढ़ाना गुलाब जल का प्रोक्षण करना विधिवत श्री सूक्त के द्वारा अभिषेक करिए। आपके जीवन में लक्ष्मी बढ़ेगी धन धान्य की वृद्धि होगी ऐसा मेरा विश्वास है। दृढ़ आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। एक नए विषय के साथ पुनः उपस्थित रहूँगा। वेदांग भक्ति रसायनम के इस यूट्यूब चैनल को आप शेयर करिए इसको लाइक करिए अपने कमेंट भी अवश्य दीजिएगा। जय जय श्री राधे।